शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। अहम मुल्ज़िम मकसूद चपरासी इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम थे। मकसूद चपरासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। फर्रुख हबीब का कहना है मकसूद चपरासी का केस में कलीदी किरदार था, 4 अरब उनके अकाउंट्स में थे। शेख रशीद ने कहा बड़े लोग आम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने इंतकाल की तस्दीक कर दी। महंगाई बेकाबू रही, तिजारती खसारे बढ़ते रहे, दरामदात का हदफ हासिल ना हो सका, हुकूमत कई टारगेट्स हासिल करने में नाकाम रही। इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा, करंट अकाउंट खसारा, सरमायाकारी और नेशनल सेविंग्स के अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। गंदम और कपास की पैदावार भी हदफ से कम रही। शहबाज सरकार के वादे, दावे और नोटिसेस सब बेकार। लोड शेडिंग उरूज पर शॉर्टफॉल 6530 मेगावाट, दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। मार्केट्स जल्द बंद करने का ऐलान करने के बाद के इलेक्ट्रिक की चालाकियां, मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान। शहर में 15 घंटे की बिजली की बंदिश जारी। रात गए बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाहौर शहर में दौरानिया 7, देही इलाकों में 12 घंटे, बलोचिस्तान में 20-20 घंटे, पेशावर और गिरदोनवा में 6 से 18 घंटे बिजली बंद। इमरान खान का मुनहरिफ फरकान के हलकों में अवामी इज्तिमात से खिताब का फैसला। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी टिकट्स के मामले पर इमरान खान खुद उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहे हैं। काफ लीग में इख्तिलाफात की बाजगश्त, चौधरी शुजात का अहम फैसलों के लिए फैमिली मीटिंग बुलाने का फैसला। परवेज इलाही, मोने सिलाही, सालिक हुसैन और दीगर शरीक होंगे इजलास में। काफ लीग में हिमायत और मुखालिफत पर हतमी फैसला किया जाएगा। आसिफ जरदारी नून लीग से नाराज। जरदारी हमजा शहबाज मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तरक्याती फंड्स ना जारी करने पर पीपल्स पार्टी खफा। पीपी शरीक चेयरमैन ने कहा इत्तेहादी हैं, ऐसे नहीं चलेगा। वजारतों के कलमदान ना मिलने पर भी बरहम। हमजा ने तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज की बरतरफी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच 13 जून को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिसेस जारी। मुल्तान में पाकिस्तान वेस्टइंडीज वनडे मैच शानदार रहा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं बाबर आजम ने साबित किया वो तीनों फॉर्मेट्स में बेहतरीन बैटर हैं। स्टेडियम आने वाले फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। दोनों टीम्स आज आराम करेंगी, प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।